घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या है? क्यों पुष्पाराज ने लगाया 30% लाल चंदन पर टैक्स? क्यों जॉली रेड्डी ने फोन करके बुलाया पुष्पा को उसके घर? लाल चंदन कैसे हुआ इंटरनेशनल फेमस? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पर वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। पुष्पा पार्ट वन में पुष्पा राज की लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया है, लेकिन पुष्पा द रूल में शाशाचलम के जंगलों में उगने वाली रेड सैंडलवुड की इंटरनेशनल स्मगलिंग के बारे में और ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा। साल 1980 से 1990 के बीच पूरी दुनिया को रेड सैंडलवुड और उसके बारे में पता चल गया था। कुछ कंट्रीज ने रेड सैंडलवुड को अपनी कंट्री में उगाना शुरू कर दिया था और कुछ कंट्रीज ने उसे इंडिया से मंगवाना शुरू कर दिया था। इंडिया में रेड सैंडलवुड की डिमांड बढ़ने के कारण बहुत से पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड के टोन रेड सैंडलवुड के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते थे, लेकिन उन सब के लिए एक प्रॉब्लम थी, पुष्पराज। पुष्पराज ने सबसे ये कह दिया कि मैं किसी को लाल चंदन का बिजनेस करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन शेषाचलम के जंगलों से रेड चंदन के पेड़ काटने से पहले हर एक को पुष्पराज को टैक्स पे करना पड़ेगा। और पुष्पराज ने हर माल पर 30% टैक्स लगा दिया था। पुष्पा के डर के कारण हर किसी को पुष्पराज की बात पर एग्री होना पड़ता है। अब धीरे धीरे पुष्पा सिंडिकेट ग्रुप का किंग बन जाता है। पुष्पा ने अपने कई नए दुश्मन तो पैदा कर लिए थे, लेकिन मंगल चिनू, जॉली रेड्डी और आईपीएस भंवर सिंह शेखावत जैसे पुष्पराज के पुराने दुश्मन भी उससे बदला लेना चाहते थे। इधर जॉली रेड्डी फिर से श्रीवल्ली, जो अब पुष्पराज की बीवी है, उसे पाना चाहता है। जॉली रेड्डी पुष्पा के घर श्रीवल्ली को किडनैप करने उसी समय चला जाता है जब पुष्पराज घर पर नहीं होता, लेकिन पुष्पराज का सौतेला भाई पुष्पराज की माँ के पास पुरानी सारी बातें भूलकर अपनी गलतियों की माफी मांगने पुष्पराज के घर आया होता है। असल में पुष्पराज का सौतेला भाई अब पुष्पराज और उसकी माँ को मुलेठी परिवार का सदस्य बनाना चाहता है। जब जॉली रेड्डी देखता है कि श्रीवल्ली उस समय घर पर नहीं है क्योंकि वो उस वक्त अपने पिता के घर गई हुई होती है, तब जॉली पुष्पा की माँ को मारने लगता है और श्रीवल्ली के बारे में पूछने लगता है। पुष्पराज का सौतेला भाई पुष्पराज की माँ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉली उसे जान से मार देता है। तभी वहाँ पुष्पराज का दोस्त केशव आ जाता है। केशव पुष्पराज की घायल माँ को उठाने लगता है, लेकिन जॉली केशव को भी मार देता है। अब जॉली रेड्डी पुष्पराज की माँ, जो पहले से ही घायल होती है, उसे गला घोटकर मार देता है। फिर वो पुष्पा को खुद फोन करके घर बुलाता है। अब पुष्पराज जॉली रेड्डी का क्या हाल करेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए सोचिए कि वो क्या करेगा और अपने ख्याल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए बॉलीग्रैड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपसे मिलता हूं अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।